गाइस यार सिंचन ने मेरे $5,000 चुरा लिए। मैंने ना सच में उसके बर्थडे के लिए ही रखे थे। अबे यार टोनी स्टार्क मेरे पैसे चुर गए और मुझे सके वो ना सिंचन ने चुराए। मेरे पास तेरी ये कहानियां सुनने के लिए टाइम नहीं है। वैसे भी मैं एक कॉम्पिटिशन करवाने जा रहा हूँ आज। इन सारे आयरमैन से जो भी बेस्ट स्टूडेंट निकलेगा उसको मिलेंगे $100 मिलियन और साथ साथ में जिसने कम परफॉर्मेंस की उसको कम पैसे मिलेंगे। भाई मुझे भी ज्वाइन कर ले यार, मैं तो गरीब सा इंसान हूँ। देख चड्डा पहन के तेरे पास आया हूँ। अरे तू तो बहुत गरीब है और मैं तुझे नहीं ले सकता ऐसे। हाँ सर जी, इसको मतलब। अरे गाइस प्लीज टोनी स्टार्क से बोलो ना ये मुझे ले ले यार। हम भी $0 से $100 मिलियन के आयरन मैन बन जाएंगे। एक शर्त पे ले सकता हूँ, वीडियो को लाइक करवाना पड़ेगा और चैनल पे जो भी नए उनसे सब्सक्राइब। गाइस प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ना। आई लव यू सो मच ऑल। अगर आप भी मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज जल्दी से कर दो और साथ साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, क्योंकि टोनी स्टार्क हमें $0 से सीधा $1,000 मिलियन का बनाएगा। अबे 100 मिलियन, 1000 नहीं। हाँ समझ गया ना। यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें टास्क बता देता हूँ। असल में जैसे एक गोल्डन आयरन मैन जा रहा है तो ये गोल्डन मैन क्या करेगा, इस गोल्डन आयरन मैन को एक टास्क करना होगा। जो टास्क ये करेगा वही टास्क तुम सबको करने पड़ेंगे। देखो करना क्या है, जैसे कि गोल्डन आयरन मैन है इस पर मैं हमले करूंगा और अगर ये मेरे हमले को झेल लेता है तो यहां पर ये पास हो जाएगा पहले टास्क में और इसको मिलेंगे पूरे $25 मिलियन। और दूसरा टास्क अगर ये कंप्लीट कर लेगा तो इसको पूरे मिलेंगे $100 मिलियन। अरे भाई लेकिन तू इतना बुरी तरह से उसको पीट रहा है, उसको कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहां पर जो भी ड्यूरेबल होगा वही जीत पाएगा। आचार्य जी हम तो बहुत ड्यूरेबल हैं। हाँ ठीक है गोल्डन, तू है सच में ड्यूरेबल और मुझे दिख भी गया, तो यहाँ पर हमारा गोल्डन तो जीत चुका है। अरे गाइस इसको तो $25 मिलियन मिलेंगे, ये क्या यार काफी पैसे हो गए इसके लिए तो, ये बहुत ज्यादा। हाँ सर जी हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे, मुझे आ जाएगा क्या बात, $25 मिलियन। अरे इतने में तो 4-5 लैम्बोर्गिनी निकाल लेंगे और इससे भी पैसा बच जाएगा हमारा। शुक्रिया सर जी यार, हमें तो मुझे आ गए, हमें दूसरा मैच भी खिलवाइए ना। हाँ वो बाद में देखा जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टूडेंट है। हाँ सर जी हम भी जीतेंगे। हाँ देखा जाएगा तू जीतेगा नहीं। गाइस यहाँ पे जो पहला वाला आयरन मैन तो बहुत पावरफुल था लेकिन दूसरा वाला तो बेचारा हिल रहा है आयरन मैन के अटैक से। क्या लगता है आपको ये जीतेगा या हारेगा? यार लेकिन सोच तो मैं ये रहा हूँ, ये सब तो लोहे के है, मैं तो यार मिट्टी से बना हुआ इंसान हूँ, मैं कितना बुरी तरह से पिटूंगा स्टार्क के अटैक से। हाँ ये बात तो सोचने वाली है फ्रैंकलिन, सोच ले आज तेरी बैंड बजने वाली है। हाँ सर जी आप तो माइंड बैंड बजा रहे हैं, ब्रिंगलिंग का नाम लेके। हाँ तो तेरी भी बैंड बजेगी। ये मारा जल्दी से, अगर तुझे जीतना तो हार मत मान। हाँ सर जी यार कैसे हार ना मानिए, इतनी मुझे पीटोगे तो कैसे हार ना मानेंगे। अबे यार ये नमूना हार भी मानने के लिए तैयार है और बार बार खड़ा हो जाता है। यार कोई नहीं इसकी तो बैंड बज गई, छोड़ो इसको, ये हार चुका है, यहाँ पर दूसरा बंदा आ जाओ, अब हमारा देखते क्या होता है। अबे एक मिनट तू कहाँ जा रहा है? अच्छा जी हम पीते थे, कुछ तो पैसा दे दो। अच्छा चल ठीक है, तू ज्यादा नहीं खेल पाया था इसलिए मैं तुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $2-3 मिलियन दूंगा। जी सर जी $2-3 मिलियन तो बहुत है। अरे गाइस इसने इतना से टास्क किया था, इवन ये जीता भी नहीं फिर भी इसको $2-3 मिलियन मिल गए। अरे भाई यहाँ तो फायदा ही फायदा है, मतलब मैं हारा भी तो पैसे मिलेंगे मुझे। फ्रैंकलिन इतना शाणा मत बन। अब देख ये वाला जो हल्क इसके साथ क्या होता है, ये हल्क थोड़ी ना है मैंने। अबे बोलने में थोड़ी परेशानी हो जाती है लेकिन समझ तो गया ना तू क्या बोल रहा हूँ मैं। अचार जी जल्दी कीजिए यार, ये बात बुरी लग रही है अचार जी। अबे रो क्यों रहा है? अचार जी बुरी लग रही है इसलिए रो रहे हैं। अच्छा ठीक है ये लदरी तो, लेकिन तू ऊपर से तो गिर नहीं रहा, क्योंकि अचार जी हम रो भी सक रहे हैं लेकिन जीत के दिखाएंगे। हमको चाहिए $25 मिलियन, दूसरे टास्क में 100। आई लग गई अचार जी, हम ना जीत पाएंगे, माफ कर दीजिए। ये देखो पागल को, ये भी हार गया। गाइस दो आयरन मैन हार चुके हैं, मैं तो एक ह्यूमन हूँ। अब तो ह्यूमन ह्यूमन क्यों किया जा रहा है, ह्यूमन भी पक्के होते हैं। अच्छा जी हमारा क्या यार, हम तो बुरी तरह से पिट गए, कुछ पैसा दे दो यार, गरीब आदमी है, बीवी बच्चों को पालना। तेरे कब से बीवी बच्चे हो गए? वो तो डायलॉग है ना चर जी। ओ ऐसा, चल ठीक है तुझे यहाँ पर मैं देता हूँ पिटने के $5 मिलियन। अरे शुक्रिया चर जी यार, आप हमको $5 मिलियन दिए, बहुत बढ़िया, जाके देखते हैं असली है नकली है, मुझ पर यकीन नहीं करता तो। अरे बिल्कुल करते हैं चर जी, कैसी बात कर दी। गाइस उसको $5 मिलियन दे दिए टोनी स्टार्क ने। वाह भाई तुझ पे तो बहुत ज्यादा ही पैसा आ रहा है। खैर कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पर अब मेरा नंबर है दोस्तों, अगर आप चाहते हो मुझे आयरन मैन का सूट मिल जाए, टोनी स्टार्क मुझे सूट दे दो, प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी जरूर लिखना। ठीक है जब बच्चे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे चाहते हैं तो ये दे देते हैं। लेकिन ये झटके क्यों लग रहा है? अरे वाह गाइस यहाँ पर तो मुझे बहुत ही कमाल का सूट मिल गया। खैर कोई नहीं दोस्तों, अब एक काम करते हैं, इस सूट में पावर अप करते हैं और उसके बाद हम ना वहां जाके खड़े हो जाते हैं, फिर स्टार्क हम पे हमला करेगा, आएगा मजा।
बेटा फ्रैंकलिन ऐसे तलूंगा ऐसे तलूंगा, जिंदगी में किसी ने तला नहीं होगा तुझे। अरे भाई ऐसे मत डरा यार। अरे बाप रे गाइस, ये तो बहुत बुरी लेजर मार रहा है। खैर कोई नहीं, मैं सूट के अंदर हूँ तो कम मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। फ्रैंकलिन तो शुरुआत है। ये ले मिसाइल मुंह पे मिसाइल मारूंगा। ये ले सोनिक बूम वाली पावर। अरे गाइस इस बार तो पेट में दर्द कर दिया इसने। अरे ठीक है टोनी स्टार्क आराम से। अरे भाई कितना मारेगा। ये तो शुरुआत है बच्चों, अभी तो बहुत कुछ होना रह गया है। अरे बाप रे, और ये नीचे गिराऊंगा। अरे नीचे ही नहीं आया। अबे फ्रैंकलिन हार जा, कैसे मिट्टी से बना है। गाइस कुछ भी हो जाए मैं ना अपनी बेइज्जती होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मेरी बेइज्जती हुई तो आप लोगों की भी होगी, इसलिए यहां पर मुझे जीतना ही होगा। अबे हां फ्रैंकलिन ठीक है तू जीत गया। गाइस मैंने पहला टास्क पार कर लिया, और यहां पर मुझे कितना पैसा मिलेगा? जितना पैसा मिला था गोल्डन को, तुझे भी 25 मिलियन डॉलर मिलेंगे। गाइस मुझे 25 मिलियन डॉलर मिलेंगे, मजा ही आ जाएगा, और मेरी तो फॉर्म भी अपग्रेड हो जाएगी बहुत ही सही। लेकिन गाइस यहां पर ना 25 मिलियन डॉलर में ना मेरा पेट नहीं भरेगा। ये देखिए ये 25 मिलियन डॉलर, इसलिए गाइस मुझे चाहिए पूरे 100 मिलियन डॉलर। इसलिए यहां पर मैं टास्क 2 भी प्ले करूंगा, जिसमें हमें 75 मिलियन डॉलर और मिलेंगे, और हमारे टोटल पैसे हो जाएंगे 100 मिलियन डॉलर। तो गाइस टास्क 2 स्टार्ट हो गया है। कुछ नए एलियन आयमैन भी आए हैं। हां भैया हम एलियन हैं, लेकिन सही साल दिखते हैं। हां आप ब्लू वाले बोल रहे हैं ना? हां भैया हम ही बोल रहे हैं। कुछ दिक्कत? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, यहां पर बहुत बढ़िया टास्क है। इस बार 10 AI रोबोट्स को रखा गया है जो इंसानों जैसे दिखते हैं। असल में तुम्हें इनको शूट करना होगा। जो भी इंसान किसी भी तरह की पावर यूज करके 20 से 30 सेकंड के अंदर इनको हराता है, वही होगा आज का विजेता। अरे भैया हम तो चिल्लाएंगे लू लू लू। गाइस ये क्या चल रहा है यहां पर? ये रोबोट जो इंसान जैसे दिखते हैं, यहां पर ये जो हमारा रेड आयरन मैन है, इसके हमले से ये हिल नहीं रहा है ठीक से। अरे कैसे ना हिलेंगे भाई, सारे तो हिलाए थे। गाइस यहां पर दो बंदे ऐसे हैं जो पूरी तरह से ग्रे नहीं है अभी, और तीसरा भी खड़ा हो गया। भाई क्या चल रहा है? आज माई बिजली हो जाएगी। अब उठो बे यार, गिरो जल्दी। यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा रहा है मैन, सिर्फ 10 सेकंड और है। अरे सर जी ऐसी बात ना कीजिए यार, हमको इनको हराना पड़ेगा। 75 मिलियन डॉलर हमें चाहिए। गाइस यहाँ पर सब 75 मिलियन डॉलर के पीछे हैं, लेकिन मुझे तो दोस्तों यार पूरे के पूरे 100 चाहिए। अरे यार हम हार गए तुम्हें 100 मिलियन डॉलर की परी। फ्रैंकलिन तुम तो बिल्कुल पागल हो यार। गाइस यहाँ पर जो हमारा रेड डायमंड है वो हार गया। तू हारा है लेकिन फिर भी तुमने कुछ लोगों को हराया, इसलिए यहाँ पर तुझे मिलते हैं पूरे 35 मिलियन डॉलर। अरे गाइस इसको 35 मिलियन डॉलर और मिल गए। अरे वाह गाइस ये तो बहुत ही सही मैच है। यहाँ पर अगर कुछ बंदों को भी गिराया तो उसका भी पैसा मिलेगा, बहुत बढ़िया। अब हम चल रहे हैं, हम जो कैसे करेंगे आज को जो मारते। गाइस ये तो किसी तरह का जंतर मंतर पढ़ के मार रहा है इन बंदों को, लेकिन यहाँ पर अभी भी इनमें से कुछ ऐसे बंदे हैं जो गिरने का नाम नहीं ले रहे। अब कैसे ना गिरोगे तुम? हट जाओ जल्दी जल्दी। अरे गिरे नहीं फिर से मारना पड़ेगा ना। वही तो ले भैया। गाइस यहाँ पर ये पूरा बेस्ट ट्राई कर रहे हैं इनको गिराने का, लेकिन अभी भी दोस्तों 5 बंदे ऐसे हैं जो गिरे नहीं है। वेल यहाँ पे अभी 4 बंदे और बचे हैं। अबे गिर जाओ यार, कौन नाक कटा रही हो हमारी? अरे रो जाएंगे हम, देखो गिर जाओ। ले लो गिर जाओ भैया यार, प्लीज गिर जाओ। गाइस यहाँ पे 4 बंदे नहीं गिरे। बस 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 ब्लू आयमन बहुत हो गया मेरे हिसाब से। नहीं सर जी बहुत नहीं हुआ, हम इनको गिरा के नहीं कुछ बुझा ही लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार, हमारा दिमाग खराब हो गया। गाइस उसने ओवर टाइम खेला लेकिन बेचारे का फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, और यहाँ पर ओवर टाइम खेलने की वजह से तेरे कुछ पैसे कटेंगे। मिलने तो वाले तो 30 मिलियन डॉलर, लेकिन अब तो ये बस 20 मिलेंगे। अरे सर जी तो बहुत गलत बात है। चलो कोई नहीं, हमें 20 मिलियन डॉलर भी बहुत हैं, लेकिन यार कुछ ज्यादा ही कम नहीं होगा? सर जी देखिए कितने से लग रहे हैं। चुप कर अमीनी को ले ले बेटा, तू ज्यादा बोल मत। तो गाइस अब यहां पर लास्ट बंदा है, उसके बाद मेरा ही नंबर होगा। हम बहुत खतरनाक है सर जी, ये देखो कैसे मार रहे हैं। गाइस ये तो रेड हल्क की पैरोडी लग रहा है। खैर कोई नहीं, यहां पर अभी ना इसको बहुत बंदे गिराने हैं। अब आप तो सिर्फ 4 बचे हैं, 4 ही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। अच्छा बेटा फ्रैंकलिन अबे दिखा दूं क्या है मेरी पावर, ज्यादा कैसे मारा। और इसको ही मारना पड़ेगा। ई ले भैया, अरे यार इसको भी कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं इसको और मारेंगे। ये उठा यहाँ पर, ये उठा कौन सा? ई ले क्या ही मारा देगा फ्रैंकलिन। हाँ यार तू तो काफी पावरफुल लग रहा है। यही तो फ्रैंकलिन, ज्यादा यही तो मेरी कला है फ्रैंकलिन। और इसको कुछ नहीं हुआ। ये ले अब हो जा, कुछ तो हो जा इसको। ये मारा इसको। अब हटो यार, कुछ होता ही नहीं इनको। अरे अब यार मरते कैसे नहीं है लोग। गाइस यहाँ पर 4 बंदे अभी भी पूरी तरह से खड़े हैं। अरे भैया ये मारा। अरे गाइस ये तो कुछ भी नहीं हुआ यार, तो बेइज्जती हो गई मेरे। गाइस यहाँ पर हमारे हल्क ने, जो कि हल्क जैसी आवाज के आयरन मैन ने, बहुत ट्राई किया लेकिन 4 बंदे हिल नहीं रहे। इनको कैसे हराऊंगा, ये तो आयरन मैन नहीं हरा पा रहे। अरे यार हार जाओ यार, पूरी तरह से मेरा मूड खराब हो गया। अरे सर जी यार हमें काम कीजिए, जितने बंदे गिराए उसके पैसे दीजिए ना। पर तुझे कम पैसे मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर तूने भी ओवर टाइम ले लिया, इसलिए तुझे भी कम से कम ही पैसे मिलेंगे। सर जी कुछ तो दीजिए, यहाँ पर तुझे 25 मिलियन डॉलर मिले। अच्छा ठीक है चलो, कुछ तो थोड़ी सी ज्यादा कीमत मिल गई। गाइस यहाँ पे हारने के 25
मिलियन डॉलर है। अब देखो गाइस मेरा नंबर है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं जीतूं तो प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी जरूरी लिख देना, क्योंकि यहां पर ना गाइस कंपटीशन बहुत ही हार्ड चल रहा है और दोस्तों मैं ना अभी नूब सा ही बंदा हूं, इसलिए गाइस हमें $1 से सीधा 100 मिलियन डॉलर का रिचेस्ट डायमंड बनना है, तो हम अपना बेस्ट तो देंगे ही। ये ले दे तो, अरे यार यार लेकिन जल्दी से फ्रैंकलिन, ज्यादा समय नहीं है, बस 5 सेकंड है, 5 सेकंड और ये 3 2 फ्रैंकलिन 2 सेकंड, अच्छा ये ले दे तो, अबे फ्रैंकलिन बस 1 सेकंड बची है, मेरे हिसाब से तो हार गया गाइस, एक चांस 1 सेकंड, ये ले बाप रे हो जावे, अबे फ्रैंकलिन जल्दी कर, अबे क्या फ्रैंकलिन तूने स्कोर आ दिया, देखा गाइस मैंने एंड टाइम पर फाइनली लास्ट वाले बंदे को भी हरा ही दिया, खैर कोई नहीं, आज तो बहुत ही मजा आ गया, बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, यहां पर जितना ही पैसा है सब तेरा हुआ। अरे गाइस देखिए ये पूरे 75 मिलियन डॉलर हैं और इसमें 25 मिलियन डॉलर और इंक्लूडेड है मेरे, तो यहां पर मैं बन गया हूं दी वन एंड ओनली 100 मिलियन डॉलर का रिचेस्ट आयरन मैन। तो चलिए गाइस अपने घर चलते हैं, तो गाइस हमने बढ़िया सा घर खरीदा और अपने सूट को बना लिया है 3-हेडेड रिचेस्ट 100 मिलियन डॉलर का, और साथ साथ में देखिए गाइस कितना कमाल का लग रहा है, मेरा घर भी है, मेरे पास गाड़ी सोना बंगला सब कुछ है। गाइस अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसमें से कोई सा भी वीडियो देख लो, बहुत मजा आएगा, थैंक यू सो मच।